फाइनली काफ़ी दिनों के बाद आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। और कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होगे, एकदम मस्त और चौकस। मेरी तरह तो नहीं होगे, क्योंकि भाई मेरी किस्मत जितनी फुद्दू है ना, किसी की नहीं हो सकती। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ आपको पता ही होगा, इससे पहले मैं ऑलरेडी 3 चैनल बना चुका हूँ, ये मेरा चौथा चैनल है और इस चैनल पे आज ये पहली वीडियो होने वाली है। सो मैंने सोचा मेरी पहली रिएक्शन वीडियो जो होगी वो मेरे फेवरेट सुपरस्टार पवन सिंह के गाने पे होगी। अभी जस्ट 2 दिन पहले पवन सिंह भाई का नया गाना आया है, जिसमें फीचरिंग कर रही है ब्यूटीफुल वोकल शिल्पी राज, और भाई इस गाने में म्यूजिक किया है प्रियांशु सिंह ने, और गाने का नाम है सटा के पैसा। अब सुनते हैं भाई, शिल्पी राज का ये पहला गाना है पवन सिंह भाई के साथ, देखते हैं कैसा कॉम्बो आता है। हेडफोन तो टूट गए। आरा वाले गाने की फील आ रही है मेरे को। मैन क्या बात है, साउंड लाइल बाहर बराती में हर गोली चले लाई हर बराती में, क्या बात है। नाचे आइल बाहरे बराती में गोली चल लाई है राती में, भाई पे तो मरिया मिली न मरिया खाली कहे लुकी हम ध्यान दे बका। सुनो ना बोला सटा के पैसा ध्यान दे बका, मालिक न मालिक के जान दे बका। सटा के पैसा ध्यान दे बका, क्या बात है, क्या बात है भाई। गाना टिपिकल भोजपुरी गानों के जैसा साउंड कर रहा है, और काफी टाइम बाद प्रॉपर भोजपुरी गाना निकाला है पवन सिंह ने। और शिल्पी राज की वोकल है ना, और भाई पवन सिंह भाई फुल मस्ती में है। नाचने का मन कर रहा है आज पहली वीडियो में। और भाई साउंड को फील करो यार, गुर गुर बदनिया, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तानी चीख खा के नहीं खाई का हो, थोड़ा का लगता वो खाली फेके बड़ो की हो, लेके बबली में बड़ो की हो। शिल्पी राज से बेहतर कोई सिंगर नहीं है भाई भोजपुरी इंडस्ट्री में, मेरे को लगता है फीमेल सिंगर बहुत अच्छा गाता है। सुन तू सोचा तारा, अच्छा वही वही सुन ना लड़ा के हो, जैसी सोची थी भाई मोट होई कौड़ी के नोट, कहे लूदा कौड़ी का नोट, क्या बात है। सटा के पैसा बिहान दे बका, मालिक न मालिक के जान क्या बात है। मैं जस्ट वाइब ले रहा हूँ गाने से। यार यहाँ पे कितना अच्छा हंसी के साथ वोकल को गिराया है पवन सिंह भाई ने। क्या बात है, पूरा भोजपुरी चोली के कहे सटा के पैसा बिहान दे बका, मालिक न मालिक के जाने बका। सटा के पैसा बिहान दे बका, मालिक न मालिक। लिटरली आधा गाना मेरे सर के ऊपर से गुजर गया, इतना फास्ट फ्लो है गाने का, और इतनी तेज़ से ऊपर से टिपिकल भोजपुरी गाना है। और पहले गाने में मैं सोच रहा हूँ कि मैंने पंगा ले लिया, मुझे पहले पवन सिंह भाई के जितने हिंदी गाने हैं ना वो रिएक्ट करने चाहिए, क्योंकि यार अभी जस्ट फ्लो स्विच नहीं हुआ मेरा उस चीज़ को सुनने में। सो भाई लेकिन गाना काफ़ी अमेजिंग था, मैंने बीट को काफ़ी अच्छे से फील किया, और टिपिकल इंस्ट्रूमेंट जो भोजपुरी गानों में होते हैं, प्रियांशु सिंह भाई का म्यूज़िक बहुत अमेजिंग था, और पावर स्टार पवन सिंह भाई की जो वोकल्स हैं ना, मैं
इस बंदे से सीखता हूँ कि गाना एक्चुअल माइक पे आके कैसे गाया जाता है, क्योंकि भाई पवन सिंह भाई जब भी माइक पे गाते हैं ना, माइक पे थूक भी देना तो गाना वायरल हो जाता है। और क्यों, इसके पीछे रीज़न ये है कि इस बंदे को जो माइक कंट्रोल है, जब बंदा माइक पे आके सामने कुछ बोलता है गाता है तो अपनी आवाज़ को कंट्रोल करना इस बंदे से मैं सीखता हूँ कैसे किया जाता है, लिटरली मैन। और काफ़ी बड़ी इंस्पिरेशन बन चुके हैं अब तो पवन सिंह भाई मेरी, और दिल से अच्छा लगता है जब भी पवन सिंह भाई के गाने पे रिएक्ट करता हूँ। और अगर आप पवन सिंह भाई के फ़ैन हो तो कुछ नहीं करना, सब्सक्राइब करो चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि ये मेरी पहली वीडियो है, ताकि सभी लोगों तक पहुँच सके। और हम मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो में।